स्वागत है आप सभी का जीजी ने झारखंड के स्पिलेटर में। मैं हूं आपके साथ इंदु कुमारी। रूबरू होते हैं स्पिलेटर की खास खबरों से। घासिला के मनोहर कॉलोनी निवासी टीवी बीमारी से ग्रसित कृष्णा कालिंदी को भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य संभाग कर जिला संयोजक रवि शंकर सिंह एवं अनुमंडल पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में आर्थिक मदद की गयी। इस मौके पर राहुल सिंह, अजय डे, राजेंद्र सिंह और पप्पू समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कृष्णा कालिंदी हुए में है, रीता कालिंदी है महिला में, जो कि हर महिलाओं के बीच में रहती है। उन्होंने जो है हमें दूरभाष के द्वारा जानकारी दी है कि कृष्णा कालिंदी नाम के जो है हमारे बगल में पड़ोसी है, मनोहर कॉलोनी निवासी है और टीवी पीड़ित है। दवा के लिए पैसा का अभाव है, अनाज के लिए पैसा का अभाव है, आर्थिक स्थिति दयनीय है। इस पर जो है थोड़ा सा अगर आप लोगों के द्वारा सहयोग अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहे। तो हमने जो है दूरभाष के द्वारा जो है प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य सह भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन श्री भरत सिंह जी से संपर्क किए। उन्होंने वहाँ से दिशा निर्देश दिए कि कोई भी अनुमंडल में कहीं से भी आपके पास अगर संपर्क साधा जाता है या कोई समस्या से अगर आप अवगत होते हैं तो उस पर देर न करते हुए तुरंत उस पर जो है आप एक्शन में आए और तुरंत वहाँ पर जो सहयोग हो अथवा संभव जो सहयोग आप करने सके अपने ट्रस्ट के द्वारा जो है वो सहयोग जो है आप वहाँ पर पहुँचाए। तो आज जो है भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के मैं सक्रिय सदस्य एवं भाजपा जिला संयोजक रविशंकर सिंह एवं अपने साथियों के साथ जो है आज यहाँ कृष्णा कालिंदी के घर आए और उनको जो है आर्थिक सहयोग के तौर पर जो है चावल, दाल, आलू, प्याज, सरसों तेल से लेकर जो भी चीज़ अनाज सामग्री का जो है सहयोग जो है हम लोगों ने किया एवं घाटशिला अनुमंडल पत्रकार संघ के द्वारा जो है पत्रकार बंधुओं के द्वारा जो है जिसमें एक महीने का जो है इनको दवाई जो है टीवी पीड़ित जो है उनको जो है विटामिन से लेकर सब दवाई जो लिखा गया था डॉक्टर साहब के द्वारा वो जो है घाटशिला अनुमंडल पत्रकार संघ के द्वारा जो है इनको दिया गया है। जिसमें कि पत्रकार संघ में जो है हमारे ललन सिंह हो गए प्रभात खबर से, दैनिक जागरण से आपके राजेश चौबे जी हो गए, दैनिक भास्कर से राहुल सिंह हो गए, जीटीएन से जो है प्रसाद जी हो गए। तो ले देखे जितने भी हैं हमारे पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले मैं आभार एवं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने जो है एक हमारे पहल पर जो उन लोगों ने सहयोग जो है दवाई के तौर पर जो है कृष्णा कालिंदी को दिया उसके लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। गुप्त सूचना के आधार पर गालोडी पुलिस ने क्षेत्र के अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जमशेदपुर में लोगों द्वारा हर जगह सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे लोगों में संक्रमण होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर जगह चौक चौराहों में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा ने। चांडिल क्षेत्र में धान रोपने का कार्य जोरों पर है। किसान काफी खुश हैं। खेतों में पर्याप्त पानी मिलने से धान रोपने के बाद फसल भी अच्छी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। चांडिल से कांग्रेस मतदाता से और 10 दिन पहले अगर जल्दी मिलता तो और बढ़िया होता, और अभी थोड़ा सा लेट हुआ है। इससे पहले अगर 10 दिन पहले पानी देता तो और बढ़िया होता। हाँ आता है, थोड़ा देरी पे आता है और टाइम पे आने से हम लोग का और बढ़िया होता। अभी थोड़ा सा हाँ अभी हो रहा है, हाँ आधा का बराबर हो गया है। इस साल तो ऐसे 10 बीघा में से हम लोग को आधा हो गया है, और वैसे तो पानी का चलते थोड़ा ये हो गया है। मंगल मांझी रायकेला खरसावा जिले के चांडिल विद्युत विभाग के हेड क्लर्क नरेश कुमार रेवाड़ी को 600 रुपए घूस लेकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इससे बिजली विभाग कार्यालय में हड़कंप मच गई है। बिजली विभाग में काफी दिनों से यह गोरख धंधा की जा रही है। चांडिल से कांग्रेस मतदाता। झारखंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन शंकर कुमार दास ने आज हाता में लोगों के बीच जाकर कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया एवं कई महत्वपूर्ण बातें बताई। इस मौके पर रविंद्रनाथ हेम्ब्रम, पंकज गोप, शिवनाथ महतो समेत कई लोग उपस्थित। हम लोग जो आज देश का परिस्थिति है, आज कोरोना जैसे महामारी से त्रस्त है, तो यही हर गांव के हमारे जितने सदस्य है
सब बता रहे हैं कि सावधानी बरते, मास्क जरूर पहने, कहीं भी जाने आने से आप बहुत ही जरूरी काम से ही बाहर निकले, नहीं तो अन्यथा अपना घर में रहें और अपने परिवार को बचाए, अपना देश को सुरक्षा रखे। यही सब गांव गांव में घूम घूम के हमारे सदस्य समझा रहे हैं। साथ में हम लोग जैसे ठोंगा निर्माण का भी गांव महिला को रोजगार देने का काम करते हैं, जो कड़ी निर्माण, यही सब छोटा छोटा उद्योग गांव गांव में महिला समूह बना करके हम लोग चलाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ की जय हो, जय झारखंड। तो आपका नाम क्या हुआ चेयरमैन साहब? शंकर कुमार दास। कौन सा ट्रस्ट से है? झारखंड डेवलपमेंट फाउंडेशन से। चेयरमैन है आप? जी चेयरमैन है हम। राजनगर के हिंसल में ग्राम वासियों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अच्छी पहल की। हिंसल बाजार की आज सभी दुकानें स्वेच्छा से 25 जुलाई तक प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोले जाने का निर्णय लिया गया और यह 1 बजे के बाद से संपूर्ण बाजारें बंद रहेंगी। लोगों का मानना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए यह पहल कारगर साबित होगी। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। भाइयों एक साथ एक बैठक किए ये COVID-19 का महामारी को देखते हुए, और हम सब ने ये स्वेच्छा से निर्णय लिए कि हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोग दुकान खुला रखेंगे, फिर हम लोग दुकान बंद रखेंगे शाम का समय, क्योंकि चूंकि शाम को पूरा भीड़ हो जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग दुकान बंद करने का निर्णय लिए। कब तक है ये? 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक रखा गया। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश मेरा यही रहेगा सब लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें और मास्क लगाएं और प्रशासन का साथ दें। कोई भी कुछ इस तरह का बाहरी आदमी का सूचना मिले तो प्रशासन को सूचना करें ताकि ये इस महामारी को रोका जा सके।